डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर, स्टार्ट डिफ्रैक्शन से करेंगे, पोलराइजेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल या परचरे की बात है इन द पाथ ऑफ द लाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइट स्ट्रेट जा रही है, रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया, ये आ गया, अब लाइट इसके कोने से टकरा के थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, सीधी आ रही थी एंगल पे, ऐसी हो जाएगी, तो ये डिफ्रैक्शन है। अगर एक बहुत छोटा सा होल ले, जैसे अपर्चर या होल कुछ भी, या एक स्लिट ले लेते हैं, हल्की सी ओपनिंग है, लाइट ही लाइट आ रही है पीछे से, जब यहां से पास करेगी नो डाउट लाइट सीधी जाएगी, पर इस कोने से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड भी हो जाएगी, बेंड फैल जाएगी, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। तो ऐसा करने में क्या होगा, जैसे स्लिट है, वेव फ्रंट आ रहा है, अब वेव फ्रंट देख रहे हो ये फैल गया थोड़ा गोल, गोल कब होता है जब कॉर्नर्स आ जाते हैं, तो लाइट जो है वो बेंड हो रही है। और अगर ये स्लिट और छोटी है, जैसे इसमें लैम्डा है, तो इसमें 6 लैम्डा विड्थ है इसकी स्लिट की, इसके अंदर विड्थ सिर्फ लैम्डा है, तो जितनी छोटी ओपनिंग होगी उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग ज्यादा होगी अगर स्लिट की ओपनिंग छोटी होगी। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि लाइट जो है डेविएट हो जाती है, डेविएशन बिकम्स मच मोर प्रोनाउंस्ड, और ज्यादा हो जाती है व्हेन द डायमेंशंस ऑफ अपर्चर या ऑब्स्टेकल आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर मान लो वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा है, अपर्चर का साइज भी लैम्डा है, तो बढ़िया डिफ्रैक्शन दिखेगी, बेंडिंग ज्यादा दिखेगी। पर अगर आप स्लिट बहुत बड़ी कर दोगे, ओपनिंग बहुत, तो पूरी की पूरी लाइट अंदर से क्रॉस कर जाएगी, फिर ना उतनी बेंडिंग, इतना बड़ा होल ही करके बैठ जाओगे तो बेंडिंग कहां से होगी, तो बेंडिंग के लिए आपको होल बहुत छोटा लेना पड़ता है। ठीक है, आता तो ये डिफ्रैक्शन है। तो ये बहुत बढ़िया डायग्राम तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा इसको स्लिट को और नीचे लेके आओ, ये देखो अब ठीक है। तो मान लो ये स्लिट है, स्लिट में से लाइट पास कर रही है, लाइट पास कर रही है, तो देखो ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई, ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक नहीं खत्म हुआ क्योंकि हमने कुछ और स्टडी करना है। हमने ये स्टडी करना है कि जब बेंड होती है लाइट और सामने स्क्रीन पे गिरती है, तो प्रॉब्लम ये है कि लाइट ही लाइट गिरनी चाहिए थी, मैक्सिमम लाइट गिरनी चाहिए थी बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे, मैक्सिमम लाइट सेंटर पे, और यहाँ थोड़ी बहुत गिरनी चाहिए थी, लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी, हुआ नहीं। हुआ क्या, आपको पैटर्न कैसा दिखा जब लाइट इस होल में से पास हुई, तो आपको डायग्राम जो दिखा, ये देखो ऐसा दिखेगा जो मैं दिखाऊंगा अभी, ये ऐसी फोटो आई, ये फोटो है स्लिट में से पास होने के बाद स्क्रीन के ऊपर लाइट ऐसी आई, बहुत लाइट गिरी, फिर बीच में मिस मार गई, फिर गिर गई मिस मार गई, गिर गई मिस मार गई, ऐसे ये पैटर्न बना। एक बार फिर से मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, सोर्स भी एक ही है, एक सोर्स है, लाइट आई बेंड हुई और सामने स्क्रीन के ऊपर क्या बन गया, मैक्सिमा मिनिमा। हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, असली चीज यही है कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, पहला हो क्यों रहा है, और फिर हम इसके विड्थ भी निकालेंगे, ये कितनी चौड़ी है, इसकी विड्थ क्या है, ये कितनी विड्थ है, ये कितनी विड्थ है, ये कितनी विड्थ है, ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो इस चैप्टर में इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, YDSC इतना रिजल्ट इंटेंसिटी वो नहीं आएगा, तो आपको ये आएगा मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बताओ कब बनती है। तो इसके अंदर डिफ्रैक्शन के अंदर अब करना क्या है, इसमें डिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहली चीज, डिफ्रैक्शन दो टाइप की है, पहली डिफ्रैक्शन है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और दूसरी है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन है जब सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट, सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जैसे जब फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा या सिलेंड्रिकल बनेगा, तो मतलब नजदीक है स्लिट के, तो ये फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है। और एक डिफ्रैक्शन है जब वेव फ्रंट जो है प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, जब सोर्स कहाँ पर होता है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो प्लेन वेव फ्रंट आता है, ऐसे केस में फ्रॉनहोफर है। हम सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट पे करते हैं, तो हम कौन सी डिफ्रैक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली ये क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको एक बार देखते हैं। देखो इस सेटअप के अंदर सबसे पहले आप इस डायग्राम से पहले इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम 2 मिनट का काम है, बड़ी बात नहीं है। देखो
सपोज करो ये आपके पास एक स्लिट है, ओपनिंग है, बहुत छोटी है, मैंने बड़ी बनाई है। पीछे से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। अब जैसे ही ये प्लेन वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल में से पास होगा, इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ लाइट स्क्रीन के ऊपर सीधी जाके गिरेगी, मैक्सिमम लाइट तो सीधी ही गिरेगी, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ लाइट, ये देखो, इस कॉर्नर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इस कॉर्नर से बेंडिंग हो जाएगी, कुछ लाइट की कुछ ज्यादा ही बेंडिंग हो जाएगी, कुछ यहां पे बेंड हो जाएगी, कुछ यहां पे बेंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो लाइट क्या हो रही है, ये फैल गई, देखो ना, कॉर्नर से ऑब्स्टेकल से बेंड हो गई, अभी जाके स्क्रीन के ऊपर गिरेगी। तो आपके माइंड में डायग्राम क्लियर है कैसे, अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनेगा क्योंकि कुछ कितने एंगल, कोई ज्यादा बेंड हो रही है, कोई कम हो रही है, कोई कम और कम कम ज्यादा ज्यादा, तो अलग अलग लाइट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनने वाला है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर फिर से एक बार अगर मैं ये ओपनिंग लेता हूं, ये ओपनिंग है और इसमें ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और ये स्क्रीन है, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि जो वेव फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट बिना बेंड किए सीधा जा रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर ना एक लेंस लगाते हैं। लेंस क्या करता है, लेंस इसमें जब वेव फ्रंट में रेज एंटर करेगा, इसे ना कन्वर्ज कर देगा ऐसे, तो हमारा देख इसको देखना आसान हो जाएगा सिस्टम को। तो बेसिकली लाइट को फोकस करके बताता है, यहां से जो वेव आएगी आइडेंटिकल वेव यहां से भी आएगी, तो जो रास्ता ऊपर वाली ने कवर किया वही नीचे ने भी कवर करना है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, जो वेव यहां से आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक वेव नीचे से भी आ रही है, तो यहां पर तो पक्की बात है क्या आएगा, मैक्सिमा, जैसे YDSC की तरह, तो मैक्सिमा। लेकिन पॉइंट ये अराइज होता है, स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा जनरेट हुए क्यों है, क्योंकि YDSC एक्सपेरिमेंट में तो एक लॉजिक था कि दो सोर्स में से वेव्स निकल के आती थी, ऊपर से भी नीचे से भी, और दोनों सोर्स में वेव्स ही वेव्स आती थी, तो किसी पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया, क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया, और YDSC मैक्सिमा मिनिमा जनरेट होता था, यही लॉजिक था ना। तो इसके अंदर क्या लॉजिक है, सोर्स तो एक ही है, इसके अंदर लॉजिक समझना क्या है, इसके अंदर ये तो समझ में आता है कि अगर पूरी की पूरी लाइट यहां गिरेगी फिर तो बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, पार्ट डिफरेंस तो होगा नहीं, तो इसलिए यहां पर क्या पॉइंट आएगा, मैक्सिमा, बात ही खत्म हो गई। लेकिन इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि आपके पास ये मान लो ओपनिंग है, ये आपके पास स्क्रीन है, और अगर आपकी लाइट थोड़ी सी भी बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई, बेंड होने के बाद अगर मान लो मैं फिर से यहां पर एक समझाने के लिए एक लेंस लगा रहा हूं जिससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट ये इस तरीके से आई, फिर यहां पे कहीं पर क्या हो गई, फोकस हो गई। अब मुझे ये दिख रहा है कि इस केस में नीचे वाली जो वेव आएगी उसने ऊपर वाली वेव से ज्यादा दूरी कवर कर ली, ये सेंटर पॉइंट था और ये पी पॉइंट है, तो नीचे ऊपर वाली वेव ने कम दूरी कवर की, नीचे वाली ने ज्यादा कवर कर ली। उसी तरीके से अगर पॉइंट पी पी डैश ऊपर लेंगे, यहां से जो वेव आएगी और यहां से जो वेव आएगी सेम सेम पॉइंट से आ रही है, उसमें डिस्टेंस का फर्क आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फर्क आ गया तो पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, अब वो पाथ डिफरेंस क्या होगा वो डिपेंड, वो डिसाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लाइट का कुछ हिस्सा अपने ही कुछ हिस्से के साथ क्या कर जाता है, इंटरफेयर कर जाता है, और क्या हो जाती है, ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बनती है। अब एक ना बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर देता हूं, अगर कोई पूछ ले तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर है, YDSC और डिफ्रैक्शन में मेजर अंतर है क्या। YDSC के अंदर कितने सोर्सेज हैं, दो पॉइंट सोर्सेज हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, पॉइंट सोर्सेज लिए जाते हैं, दो सोर्स हैं, और लाइट इंटरफेरेंस जो इंटरफेयर करती है दो सोर्सेज से करती है, डन। डिफ्रैक्शन में कितने सोर्स हैं, एक नहीं है, नहीं है, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। आपको एन कैसे हो गया, ये देखो, डिफ्रैक्शन के अंदर ये माना जाता है कि आपके पास सपोज करो ये मान लो वेव फ्रंट है, ये रहा वेव फ्रंट। हाइगंस प्रिंसिपल कहता था कि अगर ये आपका वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करते हैं, और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ये एन नंबर ऑफ पॉइंट्स नई नई वेवलेट्स जनरेट करते हैं, वेव जनरेट करते हैं, वो जो वेव जनरेट करते हैं
यहां पर जो वेव जनरेट करेंगे, इमेजिन करिए, मान लो ये एक सोर्स है, यहां वेव जनरेट कर रहा है, ये भी यहां पर एक वेव जनरेट कर रहा है, ये भी वेव जनरेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो देखो वेव ही वेव जनरेट हो रही है। तो यहां पर दो सोर्स नहीं है, यहां पर तो एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, तो आपको एन नंबर ऑफ सोर्सेज जो वेव है उनका पार्ट डिफरेंस निकालना होता है जो कॉम्प्लेक्स है। दो वेव का निकालना आसान है, और एन नंबर ऑफ वेव्स जब मिल रही हैं तो सारी वेव्स का देखना होता है, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, तो वहां से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आता है। तो रूल नंबर वन, इंटरफेरेंस के अंदर YDSC के अंदर दो सोर्स हैं और इसके अंदर एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जहां से लाइट आपस में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो अब इसमें अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं इसमें, कि अगर ये आपके पास एक स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, ठीक है, मुझे प्लेन वेव फ्रंट चाहिए जो यहां से एंटर करेगा। अब प्लेन वेव फ्रंट फाइनाइट डिस्टेंस सोर्स से तो बनता नहीं है, वो तो इनफाइनाइट सोर्स से बनता है, पर मैं लैब में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक प्लेन वेव फ्रंट बने और सोर्स भी पॉइंट सोर्स है मेरे पास, पॉइंट सोर्स वैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए एक लेंस ले लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, सोर्स को इसके फोकस पे रखते हैं, इसके फोकस पे रखते हैं ताकि जो भी लाइट इस फोकस से आए वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, यहां पर आती आती स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हुआ ना आपने ऑप्टिक्स में, ये 10th में, अगर आप सोर्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट होने का मतलब क्या, वेव फ्रंट जनरेट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो गया। तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन पूछता नहीं है कोई, वैसे बता रहा हूं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसका काम है प्लेन वेव फ्रंट को जनरेट करना। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर, तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वेव फ्रंट यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, फिर ये स्क्रीन है। अब इमेजिन करो कि आपको यहां पर फोकस करके दिखाना है सेंटर पे, फिर से एक और लेंस बनेगा, अब इस सेटअप के अंदर एक और लेंस बनेगा जिसके अंदर जो लाइट सीधी आ रही है, जो लाइट सीधी आ रही है वो यहां पर फोकस अगर हम करवाएं तो ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पी पॉइंट है, और यहां से नंबर ऑफ, देखो ना इनफाइनाइट सोर्सेज हैं यहां पर, जितने मर्जी सोर्स ले लो, वेव्स ही वेव्स हैं, वेव्स ही वेव्स हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लें तो जो वेव ऊपर वाले हाफ से आ रही होगी उतनी ही आइडेंटिकल वेव नीचे से भी आ रही होगी जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, और ये पॉइंट किसका हो जाएगा, मैक्सिमा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट है, या फिर इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट किसका आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। YDSC के अंदर भी सेंट्रल पॉइंट हमेशा मैक्सिमा का होता है, इसके अंदर भी सेंट्रल पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का ही होगा, कोई डाउट इसमें। तो ये स्टेप क्लियर है, पर इसको तो स्टडी करके फायदा नहीं होगा ना अपने को, तो बाकी पॉइंट डिस्कस करने, कहां पर मिनिमा कहां पर मैक्सिमा। तो एक काम करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं। तो एक और पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट लिया सच दैट ये जो वेव है, ये वेव फ्रंट क्या हो गया, यहां से बेंड हो गया, इसकी क्या हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। तो ये वेव फ्रंट, ऐसे तो एन नंबर ऑफ वेव फ्रंट बेंड हो गए, कोई एक ले लो, कोई एक ले लिया, कोई एक लिया, तो यहां से जो वेव आएगी, राइट, यहां से जो वेव आएगी वो वेव मान लो यहां कहीं मिलेगी, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, पी पॉइंट है। अब यहां पे जो वेव नीचे से आएगी और जो ऊपर से आएगी इस वेव फ्रंट के पार्ट में से, उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो नीचे की वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ऊपर की वेव से, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब वो पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या फिर ये पॉइंट मिनिमा का होगा। तो आज हमने ये कंडीशन बनानी है कि कैसे पता लगता है या क्या कंडीशंस हैं कि ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा या ये पॉइंट मिनिमा का होगा। पॉइंट क्लियर है? तो कोई कह रहा था कि बस दो ही डायग्राम बनते ना, दो नहीं बनते डायग्राम, तो ऐसे एन डायग्राम बनेंगे, पर हम एक कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं और पी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, मिनिमा की क्या होगी। तो वैसे ही यहाँ पे पॉइंट ही पॉइंट होंगे, अब मैं कितने डायग्राम बनाऊं इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने दो डायग्राम बना दिए, एक सेंटर का बना दिया और एक पी पॉइंट का बना दिया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इसमें, तो अगर आप इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें, ठीक है,
तो अगर आप इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें तो ये डायग्राम ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, पहले नहीं आ रहा होगा अब आएगा। पॉइंट सोर्स, प्लेन वेव फ्रंट, ये स्लिट डायग्राम में बना लो, ये जो स्लिट है ओपनिंग है, ये स्लिट के विड्थ ए है। कई बुक्स स्लिट की विड्थ को, स्लिट की विड्थ को ए लेती हैं और कई बुक्स इसको स्मॉल डी भी लेती हैं। तो लिख लो स्लिट की विड्थ या छोटा डी है या ए है, ए की बात है, ठीक है यहां तक। तो ये स्लिट विड्थ है, ए या स्मॉल डी, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर अब ये डायग्राम समझ में आएगा कि अगर कोई भी मैं मान लो एक वेव फ्रंट लूं, ये जो वेव फ्रंट है जैसे यहां से आया, यहां से आया और ये कहां पे मिल गया, ओ पॉइंट पे मिल गया, ये लो ये पॉइंट पे मिल गया, ये पहला वेव फ्रंट है, ये रहा, ये देख रहे हो जो स्ट्रेट आया। तो इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, पता ही है कि ओ पॉइंट या सी पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन हमने डिस्कस करना है किस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को। पी पॉइंट में ये वो वेव फ्रंट है जो बेंड हो गया बाय एन एंगल ऑफ क्या बेंड हो गया, थीटा। तो ये एंगल कितना है इसमें, थीटा एंगल है, तो दिस इज एंगल थीटा, तो वेव फ्रंट है। अब जो लाइट यहां से यहां चली गई और जो लाइट यहां से यहां चली गई, नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर किया। तो पी पॉइंट पे क्या हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा वो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि नीचे वाली वेव ने ऊपर वाली वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज्यादा कवर किया, इतना ज्यादा कवर किया। तो अगर ये विड्थ, अगर ये विड्थ ए है, अगर ये एंगल थीटा है, तो सबको पता है कि ये डिस्टेंस क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा इस केस में, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पाथ डिफरेंस है इस केस में वो क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? तो सारी गेम इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ये पाथ डिफरेंस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर पाथ डिफरेंस क्या आ गया, ए साइन थीटा, ठीक। तो मैं ना कुछ कंडीशंस बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। इसकी एक्सप्लेनेशन कंडीशंस की जो मैं बताने जा रहा हूं ये बाद में दूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन होती है फिर कंडीशन बनती है, इसमें उल्टा है। मैं आपको फॉर्मूले पहले बता रहा हूं और उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों हुआ अभी बताऊंगा। तो पहले मैं कंडीशन किसकी बनाने जा रहा हूं, मिनिमा की, कि वो पी पॉइंट मिनिमा कब होगा। If, मैंने लिखा अगर, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा ही हमेशा, अगर ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल हुआ, अगर मान लो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल हुआ, तो ये होल वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट इसमें स्लिट में से एंटर कर रहा था ना, ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ। ये वेव फ्रंट जो है ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया जाएगा, लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू, मतलब यहां पे और यहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू, यहां और यहां का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू, ताकि टोटल पार्ट डिफरेंस यहां का लैम्डा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस मैंने लैम्डा अज्यूम किया, तो टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मतलब कि मैंने इसको इस पूरे वेव फ्रंट के दो हिस्से मान लिए, हैविंग अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू। अब मुझे एक चीज पता है कि इस अपर हाफ में, इस अपर हाफ में n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, पता नहीं कितने हैं, लोअर हाफ में भी n नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, पता नहीं कितने हैं। तो अपर हाफ में अगर कोई वेव्स होती होंगी, लोअर पार्ट में भी इक्विवेलेंट वेव्स होती होंगी, जो आपस में क्या कर जाती होंगी, कैंसल, मींस क्रेस्ट ट्रफ पे ट्रफ कैंसल और एक दूसरे पे गिरती जा रही हैं, और ये पॉइंट किसका प्रोड्यूस कर रही हैं, मिनिमा का। तो a sin थीटा पे, a sin थीटा लैम्डा पे क्या जनरेट होने वाला है, मिनिमा। मैंने ये नहीं बताया ऐसा क्यों, मैंने बताया कि अगर ए साइन थीटा लैम्डा है, तो ऊपर ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई अगर ए साइन थीटा लैम्डा है, तो इस वेव फ्रंट के दो इक्वल हिस्से मान लो, लैम्डा बाई टू पार्ट डिफरेंस के, तो जितनी वेव ऊपर के वेव फ्रंट से आएंगी उतनी लोअर हाफ से आएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। फिर एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर मान लो ए साइन थीटा लैम्डा की जगह टू लैम्डा, फिर क्या आंसर होगा। फिर मैं ये बोलूंगा कि होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल हाफ्स, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। तो इवन हिस्से बन जाएंगे इसके,
ये वाला पार्ट ऑफ वेव, ये वाले पार्ट की वेव इस पार्ट को कैंसिल करेंगी, इस पार्ट की वेव इसको कैंसिल करेंगी, पॉइंट फिर से क्या जाएगा मिनिमा का। कोई कहता कि अगर ए साइन थीटा 3 लैम्डा हो फिर तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 इक्वल हाफ लैम्डा बाय टू, इवन इससे बांट लिए तो इवन में सारे एक दूसरे के हिस्से कैंसिल हो रहे हैं और फिर से पॉइंट क्या आएगा मिनिमा। तो इसीलिए एक कंडीशन है ए साइन थीटा अगर क्या आ जाए एन लैम्डा तो ये कौन सा पॉइंट माना जाएगा मिनिमा का। ये फॉर्मूला नोट करो कंडीशंस फॉर मिनिमा में। तो लिखो डिफ्रैक्शन हेडिंग, हेडिंग लिखो फॉर्मूला बुक करो डिफ्रैक्शन, उसमें लिखो डिफ्रैक्शन में कंडीशंस फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या लिखेंगे ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है तो ए साइन थीटा एल लैम्डा पे मिनिमा। अब अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अब मैक्सिमा की कंडीशंस क्या होंगी तो मैक्सिमा की कंडीशन में अगर ए साइन, देखो मैं इफ लगा रहा हूं, इफ कंडीशन है, अगर ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाय 2 है तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल हाफ ऑफ हैविंग पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू। ये वाली हिस्से की वेव इस हिस्से को कैंसिल करेंगी पर इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मींस ये यहां पे लाइट गिरेगी तो क्या पॉइंट आएगा मैक्सिमा का। अगर ए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए 5 लैम्डा बाय 2 तो आप पूरे वेव फ्रंट को 5 इक्वल हिस्सों में बांट लें 1, 2, 3, 4 और 5। ये वाला हिस्से की वेव इसको कैंसिल करेंगी, ये इसको कैंसिल करेंगी, अगेन इसको कैंसिल करने का कोई नहीं होगा, ऑड इससे में बांटा हुआ है तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो अगर ए साइन थीटा, अगर इसमें ए साइन थीटा 2n+1 इंटू λ/2 के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन किसकी होगी मैक्सिमा। लिखें कंडीशन फॉर मैक्सिमा ए साइन थीटा 2n+1 इंटू λ/2। ठीक है आपको ऐसा फील नहीं हो रहा YDSC से उल्टी कंडीशंस आ रही हैं, उसमें पार्ट डिफरेंस n लैम्डा पे मैक्सिमम है, इसमें n लैम्डा पे मिनिमम है, तो उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पे मिनिमम है, इस पे मैक्सिमम, उल्टे हो गए फॉर्मूलास। तो पॉइंट वन क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई पर आपके मन में आ रहा होगा कि यार पता नहीं कैसे कैंसिल होते होंगे, है ना, एक हिस्सा दूसरे को कैंसिल कर दिया, तीसरा रह गया, ऐसे कैसे रह गया भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा। तुम सोच रहे हो कि मेरे को कहाँ दिख रहा है कैंसिल हुआ, ये तो मतलब ऐसे ही बस लगा दिया, ऐसा होता होगा तो इसलिए कंडीशन बन गई, राइट। हाँ चलो इनवर्ट जीरो पर, ठीक,
आंसर दे दूं इसमें कि हमें कैसे पता लगा कि ऐसे करके आदि आदि वेव कैंसिल करती होंगी या कोई कैंसिल नहीं करती होगी, ये तो अपने मन से बनाई हुई कहानी भी तो उल्टा भी तो हो सकता है, कोई मन से कहानी बना दे। तो देखो पहली बात तो ये एक्सप्लेनेशन है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये कंडीशंस ट्रू हुई, लोगों ने आंसर दिया। लेकिन अगर आप इसकी और डीप उसमें जाएं कि एक्चुअल में हुआ क्या, तो इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो एनसीईआरटी की किताब ही देती है, तो मैं वहां पे चल रहा हूं दो मिनट के लिए। एनसीईआरटी की बुक में ये लो, ये डायग्राम बना हुआ है जो इसकी डीप एक्सप्लेनेशन देता है। क्या एक्सप्लेनेशन देता है? वो कहता है देखो आपके पास एक पॉइंट एल है, एक पॉइंट एन है और कोई पी पॉइंट है जहां पर इंटरफेरेंस होगी, तो यहां से जो वेव जाएगी वो कितना पाथ कवर करेगा एलपी, और यहां से जो वेव जाएगी कितना पाथ कवरेगा एनपी, तो एनपी डिस्टेंस बड़ा होगा एलपी से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस डायग्राम को देखते हुए कि एनपी माइनस एलपी इज पाथ डिफरेंस, और हमने वो पाथ डिफरेंस क्या निकाला था, ए साइन थीटा, ये निकाला हमने। ए साइन थीटा में एंगल ऑप्टिक्स में छोटे हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, ये पाथ डिफरेंस आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अब वो ये कहता है कि देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पॉइंट्स लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने में वो तो ये और ये लिए, आपने तो कोने कोने की वेव ले ली, आपने बीच में जो वेव जा रही है उसकी डिस्कशन ही नहीं की, हुआ क्या उनके साथ? हमने एक कोना और दूसरा कोना लिया, बात खत्म कर दी, बीच में क्या हुआ ले नहीं रहे। तो कहता है ठीक है एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक वेव फ्रंट में एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने सोर्सेज हैं, पता नहीं कितने सोर्सेज हैं, तो एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जहां से वेवी वेव वेवी वेव निकलती जा रही है। तो कहता है एन को तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक काम करते हैं दो सोर्स लेते हैं, एक सोर्स एम वन है एक सोर्स एम टू है, कोई भी दो सोर्स लिए एक अपर हाफ में और एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली लोअर हाफ में, इक्विडिस्टेंट जो ऊपर है वही सिमेट्री से नीचे ले लिया, ठीक हो गया था? हाँ, वो अलग बात है कि ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारे सोर्सेज हैं, नीचे वाले हिस्से में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अब इसके अंदर जो यहां से वेव जाएगी M1 से और M2 से, उनमें पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो अगर ये डिस्टेंस मान लो M1 M2 का y है, तो ये डिस्टेंस कितना है y है, तो सेम ये एंगल क्या बनेगा थीटा बनेगा, तो ये पाथ डिफरेंस क्या बनेगा y sin थीटा बन जाएगा। अगर ये स्लिट a होती तो a sin थीटा, y है तो y sin थीटा, एंगल छोटा है तो y into क्या हो जाएगा थीटा। क्लियर है? क्या ये आइडिया क्लियर है? अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ऐसे तो पता नहीं कितने सोर्सेज हैं, मुझे n नंबर ऑफ सोर्सेज की तो गिनती नहीं है कोई, तो अगर मैं सिर्फ दो सोर्सेज लेता हूं और उनमें पाथ डिफरेंस क्या आता है y sin थीटा, तो कायदे से मेरे को सारे सोर्सेज का पाथ डिफरेंस देना चाहिए, क्योंकि दो वेव से थोड़ी ना काम चलेगा, इसमें तो वेव्स ही वेव्स आ रही हैं। तो कहते हैं कि एक सोर्स यहां और यहां पे लेना चाहिए, उनका पाथ डिफरेंस भी देखो क्या होगा, क्या पता वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो, फिर एक सोर्स यहां और यहां लो कंस्ट्रक्टिव, मुझे क्या पता क्या होगा। तो एक्चुअल में आपको दो दो करके ये सारे और ये सारे सोर्सेज के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए, और फिर वो टोटल पाथ डिफरेंस आएगा जो भी आएगा। एक्चुअल में तो यही करना चाहिए, दो सोर्स लिए फिर अगले दो लिए फिर अगले दो लिए फिर अगले दो, पूरी ऊपर और नीचे की स्लिट्स का पाथ डिफरेंस मिलाना चाहिए, ताकि हर वेव का पाथ डिफरेंस से हम कैलकुलेट कर सकें कि कोई कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव तो नहीं हो रहा। तो ये करना बहुत मुश्किल है। देखो दो सोर्स तो ठीक है, एन नंबर ऑफ सोर्सेज कैसे करेंगे? तो इसके लिए इसके लिए वी नाउ हैव टू सम अप इक्वल कोहरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज। यहां पर तो कोहरेंट सोर्स M1 M2 लिए, वो कह रहा है इसमें तो लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज के कॉन्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए पार्ट डिफरेंस में, ईच विद अ डिफरेंट फेस, हर का पार्ट डिफरेंस या फेस डिफरेंस डिफरेंट आएगा। दिस कैलकुलेशन वॉज मेड बाय फ्रेजनल यूजिंग इंटेग्रल कैलकुलस। तो ये तो इंटीग्रेशन का काम हो गया, ये तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, सो वी ओमिट इट हियर। एनसीईआरटी कहती है भाई छोड़ दो, हम इंटीग्रेशन नहीं करने वाले इतनी, हम कंडीशन सीधी याद करेंगे कि अगर ए साइन थीटा एन लैम्डा मिनिमा, ए साइन थीटा अगर 2n + 1 लैम्डा बाय 2 तो मैक्सिमा, तो बस फ्रेजनल पे बिलीव करो, उसने जो किया ठीक किया होगा, हम मैथमेटिकली इसको डिस्कस
नहीं करेंगे, छोड़ दिया उसने। तो समझ में आ रहा है? तो ये ना सोचे जो मैंने कहानी सुनाई अपने मन से सुनाई, फ्रेजनल ने काम किया, वो कहानी वहां से आई, कहानी सुना दी, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उड़ा दी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो वापस चले तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन एक लेवल तक तो ढूंढ ली, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसके अंदर अगर हम वापस चलें, अब वापस चलते हुए एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्राइमरी मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा, क्लियर है? मैक्सिमा तो और भी आएंगे, सेंटर को छोड़ के बाकी मैक्सिमा आएंगे। सेंटर को दो मिनट अलग पोजीशन दे दी उसने, छोड़ दो, कहता जी सेंटर की तो बात ही नहीं करनी हमने, हम बात करते हैं बाकी मैक्सिमा की। तो जो कंडीशन बनी वो बाकी मैक्सिमा की बनी, किसकी? फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा भी आएगा, थर्ड मैक्सिमा भी आएगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, एंड सो ऑन। तो ये जो मैक्सिमा है सेंटर में बना, वो है सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा। इसके अलावा जो भी मैक्सिमा बनेंगे उनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो प्राइमरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, बाकी सारे मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा। हम जो मैथमेटिकल कंडीशन बना रहे हैं वो प्राइमरी मैक्सिमा की नहीं बन रही, वो किसकी बन रही है? सेकेंडरी की डिस्कशन हो रही है, क्योंकि प्राइमरी को तो डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम है सेकेंडरी पे क्या होगा। क्लियर है यहां तक? तो इसलिए बोला केसेस में एडजस्ट नहीं होगा, ठीक। तो ये आपके पास, और हाँ, ऐसे सेंटर के ऊपर मैक्सिमा प्राइमरी मैक्सिमा है तो स्क्रीन के ऊपर मिनिमा भी आएंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी मिनिमा होंगे। प्राइमरी की पोजीशन सिर्फ एक ही बंदे के पास है और एक ही पोजीशन, एक ही एक केस में है, और वो क्या है? सेंटर या प्राइमरी, वो मैक्सिमा के पास ही है। बाकी सब मैक्सिमा मिनिमा इसके अलावा क्या है? सेकेंडरी ही रहेंगे। इसलिए जब मैंने ये टॉपिक लिखा तो इसकी हेडिंग क्या लिखी? पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मैंने मैक्सिमा की कंडीशन नहीं, मैंने इसमें पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा लिखी। तो प्राइमरी को तो छोड़ ही देते हैं, डिस्कशन ही नहीं करनी। तो सेकेंडरी मैक्सिमा में उसने कहा कि अगर ए पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा है, और अगर ए साइन थीटा लैम्डा है, तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स हैविंग अ टोटल पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन अपर एंड इज लैम्डा बाय टू एंड लोअर एंड इज लैम्डा बाय टू, देयरफॉर फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन लोअर हाफ, के अज्यूम कर लिया जाता है, जो आपस में कैंसिल कर जाता है, इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ए साइन थीटा लैम्डा, ए साइन थीटा एन लैम्डा क्या पॉइंट है? ये मिनिमा का पॉइंट है। तो लिख लिया आपने, तो देयरफॉर ए साइन थीटा एन लैम्डा किसकी कंडीशन बन जाती है इसमें? मिनिमा की कंडीशन। लिख लिया आपने, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंडरी मैक्सिमा, देखो प्राइमरी नहीं कहा उसने, कहा सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मैक्सिमा कब बनेगा? जब ए साइन थीटा या तो 3 लैम्डा बाय 2 होगा, या 5 लैम्डा बाय 2 होगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा बाय 2 होगा, तो ये मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन लिख ली आपने मैक्सिमा मिनिमा की, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब इस कंडीशन के बाद इंपॉर्टेंट ये पेपर में आएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम सेंट्रल को अलग डिस्कस कर रहे हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंपॉर्टेंट ये प्रूव करने को आएगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अगर आपको निकालनी है तो एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि अगर ये आपके पास स्लिट है, ये स्क्रीन है और ये आपका सेंटर है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स में क्या है? फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, और ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। तो विड्थ ऑफ क्या निकालनी है? सेंटर मैक्सिमा। तो याद रखना यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस, अगर ये एक्स है और ये एक्स है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? इसमें मैक्सिमा ही मैक्सिमा होगा, सेंट्रल पॉइंट का मैक्सिमा 2x। तो विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या बनेगा?
2x, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी दूरी बता दूं फर्स्ट मिनिमा की x, आप डबल कर लेना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। आपको बेसिकली क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है, दूरी निकालनी है फर्स्ट मिनिमा की, क्लियर है यहां तक। तो इसको अगर और छोटा डायग्राम मैं ड्रॉ करूं तो ऐसा बनेगा, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है और ये सेंटर है। तो इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है डिफ्रैक्शन में। तो ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ये पॉइंट क्या है नीचे से भी, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। और मैं क्या निकालने जा रहा हूं, मैं ये निकालने जा रहा हूं जहां पर क्या जनरेट होने वाली है, मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा पूरे का पूरा, यानी कि 2x, ये निकालने जा रहा हूं। तो ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये निकालने जा रहे हैं 2x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर तो बेसिकली तो मेरे को x निकालना है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन निकालनी है। तो एक काम करते हैं, मुझे किसकी विड्थ निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मुझे डिस्टेंस सेंटर से किसका निकालना है, फर्स्ट मिनिमा, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मुझे दूरी किसकी निकालनी है, फर्स्ट मिनिमा। तो इसीलिए कंडीशन मैंने किसकी लिखी, फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, एन की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन, तो ए साइन थीटा वन लैम्डा, तो मिनिमा की कंडीशन है। तो मिनिमा की कंडीशन लगाई, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, और साइन थीटा क्या आएगा, लैम्डा बाय ए। तो अगर आप वापस एक मिनट के लिए डायग्राम में चलें, इस जो मेन डायग्राम था, ठीक है, इस डायग्राम में अभी जो मैं कंडीशन लिखी थी, क्या लिखी थी, ए साइन थीटा वन लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लिखी थी। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा बाय ए, या एंगल छोटे हैं तो थीटा की कंडीशन क्या आएगी, लैम्डा बाय, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय, क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर अगर आप ये जरा इस ट्राइंगल को देखें, मान लो मेरे इस ट्राइंगल में ये पी पॉइंट मान लो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, तो दूरी फर्स्ट मिनिमा की सपोज कितनी है, एक्स, और ये डिस्टेंस कितना है स्क्रीन और स्लिट के बीच में, डी। तो यहां से टैन थीटा बोलो किसके इक्वल आएगा, एक्स बाय टी, एंगल स्मॉल है तो टैन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, एक्स बाय टी, एक ही बात है। तो ये पी पॉइंट अगर फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है तो उसकी दूरी क्या है, एक्स, तो थीटा एक्स बाय टी, यहां से थीटा क्या है, लैम्डा बाय ए, इक्वेट कर देते हैं, लैम्डा बाय इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बाय डी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा डी बाय ए। तो फर्स्ट मिनिमा की दूरी कैसे निकल के समझ में आ रहा है, लैम्डा बाय, ठीक है, वो स्क्रीन और स्लिट के बीच में टोटल लेंथ है, कैपिटल डी, वाई डी एस सी में कैपिटल डी होता था सेम, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर यही किया हुआ है मैंने, तो अगर मुझे विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो मिनिमा की कंडीशन, पहला मिनिमा ढूंढ रहे हैं, पहले मिनिमा में n इक्वल टू 1, साइन थीटा या थीटा लैम्डा बाय ए, डायग्राम में जो थीटा है वो x बाय डी भी था, इक्वेट करके क्या आ गया, x आ गया। अब मेरे को ये पता है कि अगर ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, ये आपके पास फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, ये आपके पास फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था मैक्सिमा मिनिमा का, तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और यहां पर क्या है, एक्स है, तो टोटल कितना है, 2x है, तो टोटल 2x है, तो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। तो प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, दिस इज लीनियर विड्थ, लीनियर लिख लेना लेंथ वाइज, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ इसके इक्वल है 2 लैम्डा डी बाई ए, ये अगला फॉर्मूला है, ठीक है यहां तक। ठीक,
तो लीनियर विड्थ की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले काम आएगा। फिर आएगा विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखो, अब ये किसकी विड्थ आई थी, सेंट्रल की। देखो सेंट्रल का केस बिल्कुल अलग है। अब सेंट्रल के अलावा जो मैक्सिमा है उनका नाम क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी विड्थ निकालनी है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला अलग है, तरीका भी अलग है। अब हमने क्या निकालना है, सेंट्रल के अलावा और भी मैक्सिमा है उनकी विड्थ क्या है। तो वो YDSCL सेम रूल चलेगा। कैसे, जैसे हम क्या करते थे, ये सेंटर है, अगर मैं आपको इस सेंटर से डिस्टेंस बता दूं nth मिनिमा का, nth मिनिमा का, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं x ऑफ n माइनस 1th मिनिमा, तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करके ये विड्थ आएगी। ये विड्थ किसकी होगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ क्या आएगी, YDSCL वाला सेम, nth डिस्टेंस। अगर मैं बता दूं कि nth डार्कनेस कहां पर है, n माइनस 1th डार्कनेस कहां पर है, दोनों को माइनस करके ब्राइटनेस आ जाएगी। क्लियर है? तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं, मुझे विड्थ किसकी निकालनी है, सेकेंडरी मैक्सिमा की, इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा की। तो मैं कंडीशन किसकी लिख रहा हूं, nth मिनिमा की, लिख लो ये कंडीशन किसकी है, nth मिनिमा की, क्योंकि हमने डिस्टेंस किसके निकालने हैं, nth मिनिमा के। मिनिमा में से मिनिमा माइनस करके मैक्सिमा बाहर आएगा। तो बड़ा अजीब लगता है स्टूडेंट को, वो कहता है जी मैक्सिमा है, कंडीशन उल्टी लिख दी आपने, कंडीशन उल्टी नहीं लिखी, आप उल्टा सोच रहे हो। तो मैक्सिमा की कंडीशन में मैक्सिमा की कंडीशन नहीं आएगी, विड्थ निकालने के लिए मिनिमा की कंडीशन से स्टार्ट होगा। तो मिनिमा की कंडीशन साइन थीटा एन लैम्डा बाय ए, वही ट्रायंगल से थीटा इज एक्स बाय डी, सॉल्व करके क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक, ये पता है क्या आ गया, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा, नहीं डिस्टेंस ऑफ nth, क्या निकाल रहे हैं, मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर। ये फॉर्मूला नोट करो प्लीज, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेवेंथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर, तो n की जगह 7, एट्थ मिनिमा फ्रॉम सेंटर, n की जगह 8 आंसर। तो न्यूमेरिकल ठीक है, डिस्टेंस आपको याद है YDSCL में फॉर्मूला यही था, n लैम्डा d बाई डी, पर वो किसका था, मैक्सिमा का था। सेम उल्टा हो गया फॉर्मूला, अब किसका हो गया, मिनिमा का। ठीक है, उल्टा हो तो इसलिए फॉर्मूला ध्यान से रिवाइज करना, YDSCL के और डिफ्रैक्शन के इकट्ठे करना, ताकि कंपैरिजन हो जाएगी किसमें क्या करना है। तो ये nth क्या आ गया, मिनिमा। अब एक काम करते हैं, मुझे विड्थ किसकी निकालनी है, सेकेंडरी मैक्स, लिखो इसके ऊपर बीटा का मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ। तो मैं कंडीशन क्या लूंगा, nth मिनिमा में से n माइनस 1th मिनिमा का डिस्टेंस माइनस करेंगे, लिखो इसके ऊपर। तो ये किसकी विड्थ है, मैक्सिमा, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या लिया, मिनिमा, मिनिमा। तो ये मिनिमा का डिस्टेंस है nth, n माइनस 1th, इनको माइनस करके ये विड्थ। एक और फॉर्मूला, दिस इज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये भी फॉर्मूला नोट करो, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा लैम्डा डी बाई ए। वैसे YDSCL में तो क्या था, लैम्डा डी बाई छोटा डी, क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी ए और छोटा डी एक ही बात है, फॉर्मूला मिलता जुलता ही है।
ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ, क्या निकालना है, सेकेंडरी मिनिमा। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा में कंडीशन किसकी स्टार्ट करेंगे, दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो हम क्या करने वाले हैं, nth मैक्सिमा में से n माइनस वनथ मैक्सिमा को माइनस करेंगे तो विड्थ ऑफ मिनिमा आएगी। तो कंडीशन मैक्सिमा की स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा आ गया, लेकिन वो ये जो एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को तो थीटा भी लिख सकते हैं, और वो ट्राइंगल से भी थीटा क्या था, एक्स डैश बाई डी, इसको इक्वेट करके एक्स डैश आ गया। तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब क्वेश्चन आएगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ एट्थ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, एन की जगह एट, सेवंथ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, एन की जगह सेवन। तो डिस्टेंस निकालना आ गया सेंटर से, फॉर्मूला नोट कर लिया। अब मुझे किसकी विड्थ निकालनी है, मुझे विड्थ निकालनी है मिनिमा की। तो लिखो इसके ऊपर, दिस इज विड्थ ऑफ मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा, वैसे प्राइमरी मिनिमा होता ही नहीं है, ये होते ही सेकेंडरी है। तो ये क्या है, nth मैक्सिमा, ये क्या डिस्टेंस ऑफ एन माइनस वनथ मैक्सिमा। तो ये nth का फॉर्मूला, n की जगह n माइनस वन पुट कर दिया, दोनों को माइनस करके आंसर फिर से सेम। तो ये विड्थ ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मैथमेटिकली सेम। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है इसमें एंगुलर पोजीशंस। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर एंगुलर पोजीशंस पे। आप समझ लें एंगुलर पोजीशन, देखो एंगुलर पोजीशन का मतलब एंगल है, सिंपल है। हमने YDSC के अंदर भी एंगुलर पोजीशंस डिस्कस की थी, इसमें बहुत सिंपल है। एंगुलर पोजीशन सिंपल एंगल है। तो अगर मुझे मिनिमा की कंडीशन लिखनी हो तो ए साइन थीटा एन लैमडा मिनिमा की कंडीशन है, तो यहां से साइन थीटा एन लैमडा बाई ए है। अगर मैं एंगुलर पोजीशन फर्स्ट मिनिमा की पूछूं तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, वन। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा पुट करेंगे, ये पहली एंगुलर पोजीशन है मिनिमा की, वन लैम्डा बाय ए। सेकंड एंगुलर पोजीशन में एन की जगह क्या पुट करेंगे, टू, टू लैम्डा बाय ए। तीसरी एंगुलर पोजीशन मिनिमा की, थ्री लैम्डा बाय ए आंसर। तो होगी एंगुलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट है अगर एंगुलर पोजीशन मैक्सिमा की ढूंढनी है तो मैक्सिमा की कंडीशन लिख लो, तो एन की जगह वन पुट करेंगे, थ्री लैम्डा बाई टू ए, साइन हटा दोगे तो ये पहली एंगुलर पोजीशन है मैक्सिमा की। एन की जगह टू पुट करेंगे, फाइव लैम्डा बाई टू ए, एंगुलर पोजीशन है सेकेंड मैक्सिमा की। ये भी क्लियर है। तो अगर मैं इन्हें इस तरीके से देखूं एंगुलर पोजीशंस को, तो एंगुलर पोजीशन की वैल्यू मिनिमा की क्या आई, पहली लैम्डा बाई ए, ए या स्मॉल डी ए की बात है, तो इस बुक में लैम्डा बाई ए की जगह लैम्डा बाई डी यूज कर लिया, एक ही बात है। तो पहली एंगुलर पोजीशन मिनिमा की, दूसरी एंगुलर पोजीशन मिनिमा की, तीसरी एंगुलर पोजीशन मिनिमा की, राइट। उसी तरीके से मैक्सिमा की क्या आएगी, थ्री लैम्डा, थ्री बाई टू लैम्डा बाई टी, फाइव बाई टू लैम्डा बाई टी। तो देख रहे हो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। सेंट्रल पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और बाकियों में इंटेंसिटी कम होती है, जबकि YDSC के अंदर ऐसा नहीं होता था। YDSC के अंदर क्या होता था, इंटेंसिटी सेंटर पे और बाकी पॉइंट्स पे एग्जैक्टली सेम होती थी, ठीक है। इसमें सेम नहीं होती, काफी फर्क होता है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायग्राम देखो। तो इस डायग्राम में अगर स्मॉल डी स्लिट विड्थ है, और ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट मिनिमा
और ये भी नीचे भी क्या है, फर्स्ट मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में क्या है, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, बीटा नॉट, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर स्मॉल डी विड्थ है, तो मान लो ये एंगल थीटा और थीटा है, ये वैल्यू हम निकाल चुके ऑलरेडी, क्या इसकी विड्थ क्या थी, लीनियर विड्थ बोलना क्या थी, टू लैम्डा बाय ए, ए की जगह डी पुट, लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा डी बाय ए या लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ए की बात है, तो लीनियर विड्थ है, ठीक, एक होती है लीनियर विड्थ, एक होती है एंगुलर विड्थ। तो इसमें ये तो हमने कर लिया लीनियर विड्थ 2x वाला केस, कई बुक्स इस 2x को क्या लिखती हैं, बीटा नॉट, लीनियर विड्थ बीटा नॉट, वो एक ही बात है। तो बीटा का, बीटा नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, एक ही बात है, ये तो हमने कर लिया, ठीक। अब मुझे क्या ढूंढना है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ सेंट्रल पॉइंट की क्या होगी, ये पूरी की पूरी विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ होगी, कितनी, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, देखो ये पॉइंट क्या है, फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमम ने एंगल क्या बनाया, थीटा, इसकी एंगुलर विड्थ क्या है फर्स्ट मिनिमा की, क्या कराया था, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, मिनिमा की कंडीशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, एंगल स्मॉल है तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय, तो ये एंगल क्या आ गया, लैम्डा बाय ए, ऐसे ये एंगल भी क्या आएगा, लैम्डा बाय ए। तो टोटल एंगुलर विड्थ क्या आएगी, इसकी एंगुलर विड्थ की वैल्यू सेंट्रल, सेंट्रल मैक्स की क्या आएगी, 2 थीटा या फिर 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है यहां तक। तो आधा एंगल लैम्डा बाय ए, आधा लैम्डा बाय, ये लिख लो डायग्राम के ऊपर, याद रहेगा ये सारा लिख लो, फर्स्ट मिनिमा ये कंडीशन कैसे बनाई, तो ये एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, तो यहां से पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, इससे इसको ये भी बोलते हैं स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब लाइट कितनी फैली सेंटर के ऊपर, ये पूरे का पूरा क्या है, लाइट का स्प्रेड है। तो स्प्रेड एंगल क्या होगा, 2 लैम्डा बाय ए इसका स्प्रेड एंगल है। वो कई बार ये पूछ लेगा फाइंड स्प्रेड ऑन आइदर साइड, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, थीटा, जो कि क्या आएगा, लैम्डा बाय ए। तो लिख लेना स्प्रेड ऑन either side of center, ये spread, spread का मतलब spread angle या spread है, एक ही बात है, समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक, ठीक है यहां तक। तो इसमें ये स्प्रेड एंगल हो गया, ये टॉपिक भी हो गया।